ये देखिए दोस्तों, गाजर है ये, अभी अभी मैं तोड़ के लाया हूँ इस खेत से, और ये पूरी तरह से प्योर 100% ऑर्गेनिक है, क्योंकि इसे मैंने अपने हाथों से उगाया है। मेरा मतलब मैंने और मेरे पापा ने मिलकर उगाया है, थोड़ा सा क्रेडिट पापा को भी जाता है, बाकी तो सारी मेहनत मैंने ही की है। ये देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये गाजर। अब इसको मैं धो के फिर सैलेड बनाऊंगा। और हाँ, आज हमें अपनी पल्सर को ठीक करवाना है, और पल्सर अगर ठीक नहीं हुई तो हमें कोई दूसरा विकल्प चुनना पड़ेगा, क्योंकि हमें जाना है गोंडा शुभम से मिलने। तो नमस्कार देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपने मुझे ज़्यादातर बुलेट पे चलते हुए देखा होगा, ज़्यादातर व्लॉग्स में मैं बुलेट पे ही चलता हूँ, तो वो बात दिल्ली की थी। अब मैं हूँ अभी लखनऊ में, और गोंडा तक का जो सफ़र है वो पल्सर 220 पे होगा। और लेकिन इसमें कुछ दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि इसका जो कार्बोरेटर है वो पेट्रोल बहुत ज़्यादा वहाँ से लीक होता है, तो अगर मैं फुल टैंक भी कराता हूँ तो वो खाली हो जाएगा। तो उसको दिखाता हूँ, अगर वो शॉर्ट आउट हो जाती है प्रॉब्लम तो हम 220 से ही जाएंगे, अदरवाइज़ कोई और दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बुलेट तो यहाँ पर है नहीं। और पल्सर क्योंकि हालांकि इतनी ख़राब कंडीशन में नहीं है, कॉलेज के दिनों में मैं इसी से चलता था, कॉलेज के 3 साल मैंने इसी 220 पे ही बिताए हैं, और बहुत अच्छा समय रहा है। और ये बहुत अच्छी बाइक है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर से लॉन्च हो चुकी है 220 इंडिया में। तो आइए चलते हैं, इसे दिखाते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, और अगर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो फिर हम चलेंगे गोंडा 220 से। तो दोस्तों आइए चलते हैं, बाइक को दिखाते हैं और फिर इसको ठीक करवाने की कोशिश करते हैं। अगर ठीक हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर दूसरी बाइक का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ इसे, और चलते हैं। तो गाइस, इसका ब्रेक सही हो चुका है आगे वाला, बिल्कुल ब्रेक ऑयल सूख गया था, इसमें ब्रेक ऑयल नहीं था। और इंजन, ये जो पेट्रोल लीक होता है ये यहाँ से लीक होता है, यहाँ से, तो इसका इशू अभी सॉल्व नहीं हुआ है। हमारे ये भाई ने बनाया, हरकेश नाम है इनका, ये हमारे मित्र भी हैं, बहुत बढ़िया बाइक बनवाते हैं। ये इनकी बाइक है, ये भी शौकीन आदमी है, आरक्स 100 भी है भाई साहब, मॉडिफाई कर रखी है। मैंने अपनी पल्सर को बनवाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पल्सर नहीं बन पाई, क्योंकि इसके यहाँ पर एक इशू है जो पेट्रोल लीक होता है, तो इसलिए अफसोस पल्सर को हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो गाइस, सीन ये है कि पल्सर 220 तो बनी नहीं, पूरा दिन लगा दिया मैंने बनाने में, वो बनी नहीं। तो अब मैं जा रहा हूँ अश्विनी भैया के पास उनकी बाइक लेने, क्योंकि हमें गोंडा निकलना है सुबह, और वहाँ से बाइक लेके फिर वापस मैं अपने गाँव आऊँगा, और फिर सुबह प्रस्थान करेंगे। 220 तो नहीं बनी दोस्तों। मेट्रो आ चुकी है, अरे आगे भाग गई आगे चली भी गई। तो मैं आपको दिखाता हूँ लखनऊ मेट्रो, आप देख रहे हैं लखनऊ मेट्रो। दोस्तों ये मेट्रो भी दिल्ली मेट्रो की तरह ही है, बस थोड़ा सा यहाँ की वादियों में उत्तर प्रदेश की सुगंध आती है, और डेस्टिनेशन में हिंदी और इंग्लिश के अलावा उर्दू में भी लिखा रहता है, जो कि दिल्ली मेट्रो में नहीं होता है। ये कैसा खिलौना है भाई तो सही है, मजा आता होगा यार सफाई करने में बहुत बढ़िया यार, ये देख लो भैया लखनऊ मेट्रो, ये आपको केवल लखनऊ मेट्रो में मिलेगा, दिल्ली मेट्रो में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ये बहुत बढ़िया है भाई साहब। और अब मैं लोकेशन पे आ चुका हूँ, और अश्वनी भैया मुझे मिलने वाले हैं। हाउ आर यू अश्वनी भैया, कैसे हैं, फोन पे लगे हैं, और हम आ गए हैं अश्वनी भैया के घर, और यहाँ से मैं बाइक लूंगा और बाइक लेके हो जाऊंगा फरार। तो दोस्तों मैंने अश्वनी भैया की बाइक ले ली है, और अब हम चलेंगे, मुझे 2 घंटे लग गए आने में, ट्रिप 0 कर लेता हूँ। And here we go। दोस्तों मुझे लखनऊ के एक कोने से दूसरे कोने तक आने में 2 घंटे 1.5 घंटे लग गए थे लगभग, और अब मुझे जाने में 40 मिनट लगेगा मैक्स टू मैक्स, और वहाँ से आने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। पहले मुझे यूपी रोडवेज लेनी पड़ी, फिर ई रिक्शा, फिर मेट्रो, उसके बाद फिर ऑटो, और तब जाकर मैं पहुँचा अश्वनी भैया के घर। और फिलहाल अब बाइक है तो मैं सीधे घर जाऊंगा, मम्मी ने खाना बनाया हुआ है, तो मम्मी वेट कर रही है मेरा। सारा दिन निकल गया मेरा 220 को बनवाने में, और उसका डिस्क ब्रेक वगैरह था वो सब सही हो गया, अच्छी हो गई है, काफ़ी पैसा खर्च हो गया, लेकिन मेन चीज़ जो थी वो उसका शॉर्ट आउट नहीं हुआ, जो पेट्रोल उसका कार्बोरेटर से लीक होता था तो वो निकला, मतलब वो सही नहीं हुआ। तो ये मेरा अच्छा डिसीजन था कि मैं इस बाइक को ले आया, ये बाइक अच्छी है,
कल सुबह मैं अपनी मंगलमय यात्रा का प्रारंभ करूंगा और सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कवर करते हुए चलूंगा। ये देख लो भाई साहब, इन्हें लाल बत्ती नीली बत्ती से कोई मतलब नहीं है भाई। हर बंदा यहाँ पर देख रहे हो यूपी 32, हर बंदा रेड लाइट जंप करता है। चलिए ग्रीन लाइट हो गई, अब चलते हैं। अरे क्या है भाई, वाह क्या सीन है भाई, बड़े नमूने हैं यार यहाँ पर लोग। तो दोस्तों आप लखनऊ की वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। दोस्तों मैं थोड़ा सा रास्ता भटक गया हूँ तो मुझे गूगल मैप का सहारा लेना पड़ेगा, अब मेरा सारा ध्यान नेविगेशन में लग जाएगा। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। और मैं अनुभव आपसे मिलूंगा अगली बार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑन अनुभव।